आज बनाए घर में मोमोज, तो देखिए कैसे बनाए। हेलो दोस्तों, बड़ों को मेरा पहला प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आप सब लोग मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ मोमोज, तो मुझे अच्छे से आते नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे अच्छे से बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या क्या डालती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं डालूँगी गोभी, काटूँगी ये है, इसको है जो मैं और महीन करूँगी, तो इसको मैं किस में महीन करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं करूँगी इसमें से महीन, ये देखिए ये इसकी ब्लेड और ये इसका ढक्कन। तो दोस्तों इसके अंदर मैं गोभी डालूँगी और फिर उसे करूँगी इसमें महीन। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और मेरे ब्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसा लगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हो रही है मेरी गोभी पतली। अभी आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आप लोगों को देख जाएगा कि मेरी गोभी कितनी पतली हो गई है। ये मैंने लगा दिया इसमें ढक्कन, ये देखिए, और मैं रखूँगी इस खाली करके इसको इसमें। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों कितना पतला हो गया है, मैंने इसमें डाल दिया है, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों करते ही करते मैंने देखा कि ये देखिए ये ढीला पड़ गया, और मुझे लगा ये ख़राब हो गया। थैंक गॉड ये ख़राब नहीं हुआ था, सही हो गया, जैसे जैसे सही हुआ। तो उसके बाद मैंने फिर से शुरू किया अपना काम, ये देखिए। तो मेरी दोबारा भी गोभी हो गई, इस तरह से मैं सभी गोभियों को इसमें करके कर देती हूँ। ये देखिए मेरी बची थोड़ी सी गोभी, ये देखिए मैंने उसको लगा दिया, और मेरी ये जो गोभी बची हुई थी ये भी हो चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसके बाद डालूँगी इसमें प्याज। तो दोस्तों मैंने प्याज ले लिए हैं दो, क्योंकि हम दो ही लोग, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा मसाले की ज़रूरत होगी, तो मैंने दो प्याज काट के रख लिए हैं, ये देखिए। तो मैं इसको प्याज को इसमें करूँ, तो देखिए दोस्तों गोभी और प्याज मेरा दोनों इतना महीन हो रखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कितना महीन हो रखे हैं। अब मैं रखती हूँ इसमें, अब मैं बनाना शुरू करूँगी। अब मैंने रख दिया है चटनी के लिए पानी बॉईल होने के लिए, ये देखिए बॉईल होने के लिए रख दिया मैंने पानी को, इसको पानी को बॉईल होने देंगे, उसके बाद हम रखेंगे इसमें क्या, इसमें तब डालेंगे हम मिर्च और टमाटर, तब तक ऐसे थोड़ी देर के लिए होने देते हैं। और ये रखी है मेरी बड़ी जो अभी भीग रही है, ये देखिए बड़ी में मैं इसमें डालूँगी, और टमाटर है जो मैं कट करके इसमें डालूँगी बॉयल, जिसमें मैंने पानी होने को रखा हुआ है उसमें रखूँगी। ये देखिए इतना छोटा छोटा कर लिया है मैंने, मुझे लगा पहले ज़्यादा चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैंने देखा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं करा। और उसके साथ साथ मैं पी रही थी चाय, और मैंने सब डाल दिया है मिर्च, और वो चाय भी बहुत अच्छी हो रही है। मैं इसमें डालूँगी बड़ी, उस सब तक मैं उसका पानी कर लेती हूँ साफ, ये देखिए मैंने बड़ी भी डाल दी है ताकि वो भी महीन हो जाए सबकी तरह। ये देखिए दोस्तों सबसे मेरी बड़ी भी हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरी बड़ी भी महीन हो चुकी है। तो मुझे लगता है मेरी सभी चीज़ लगभग लगभग सब तैयार हो चुकी है, और चटनी भी वही तैयार होने वाली है, और मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ तो अब मैं इसको करूँगी फ्राई, जितना भी है गोभी और प्याज और बड़ी सोयाबीन की, उन सबको मैं मिक्स करूँ इसमें वो करूँगी। तो मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तेल गर्म हो रहा है, ये देखिए मेरी बड़ी प्याज और गोभी, ये देखिए तेल हो रहा है, और ये मेरी चटनी का जो भी रेसिपी है वो तैयार हो रही है अभी। तो दोस्तों मैं तब तक गूंथ लेती हूँ आटा, देखिए
यानी कि मैदा, सॉरी यह मैदा जो मैं गूंद रही हूँ, इस तरह से मैं गूंद रही हूँ मैदा। तो इसमें हमें सॉफ्ट करने के लिए इसमें हमें डालना होता है थोड़ा सा नमक और तेल। तो दोस्तों मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, ताकि तेल गर्म हो चुका है, मैं प्याज डाल दूंगी इसमें। प्याज डाल दिया दोस्तों मैंने, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों मैदा में सब कुछ डाल के मैंने मैदा गूंदना शुरू कर दिया है। तो पति देव जी आए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मैंने एक के आटा गूंदने लगी, मेरे पति देव जी से ली हेल्प। देखिए दोस्तों मेरा मैदा गूंद रहा है, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये मेरा मैदा गूंद के तैयार है। ये देखिए दोस्तों मुझे उसे थोड़ा सॉफ्ट करना था, तो दोस्तों मेरे गुड़ की तैयार है। और मैंने बोला पति देव जी से कर दीजिए मेरी हेल्प, तो पति देव जी ने की मेरी हेल्प। फिर उसके बाद मैंने उस मोमोज के लिए बनाई है लोई, छोटी छोटी लोइयाँ। और फिर ये देखिए मेरा मसाला है जो मुझे मोमो के अंदर भरना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत कितना अच्छा कलर आ रहा है, मुझे इतना मन कर रहा था, मतलब मुझे मन कर रहा था कि मैं बनाने से पहले ही खाऊं। और फिर उसके बाद देखिए मेरा ये लोइयाँ जो है वो भी बन के तैयार है पराठे टाइप की, जिसके अंदर मुझे बनना है इतना मैदा लगा। तो दोस्तों ऐसे बने इस तरह से मोमो, ओ माय गॉड, पर जैसे भी थे मेरे पापा भी अच्छे लग रहे थे और मेरी पति देव जी ने भी हेल्प करी। तो दोस्तों मैंने इसको किया इलेक्ट्रिक केतले में, मेरे पास ये सारे रहते हैं। देखिए इसमें मेरे मोमो बन के रेडी है, वाह मैं कब खाऊँ, ये टेस्टी लग रहे हैं देखने से बहुत सारे। मुझे तो मन हो गया कि मैं इन्हें खा ही लूँ, पर मुझे इन्हें थोड़ी देर और पकने देना था, तो मैंने इन्हें ढक के रख दिया 2 मिनट के लिए, इन्हें और रख दिया, तो इन्हें होने देते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरे मोमोज बन के तैयार हैं और चटनी बनाई पति देव जी ने, इसलिए मैं इसे सूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पति देव जी सूट करें। दोस्तों कब खाऊं, हो गई है मुझे बहुत जल्दी, हो गई मुझे मोमोज खाने की। तो दोस्तों आप लोगों को खाने को आ जाइए। हेलो हेलो मिस्टर, खाने तुम्हें लगता है तुम्हें मोमो मिलेंगे, तो तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे लिए ये भी बहुत अच्छे, चलो शुरू करें।